अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें मैं एक प्याली एल्बो शेप में मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, इसे भी मैंने बॉयल नहीं किया है। दो बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, एक पाव मटर, आधा बंद गोभी का फूल, आधा किलो चिकन, आप लोग बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, एक प्याली कुकिंग ऑयल, एक पाव गाजर, 1.5 स्मॉल साइज का टमाटर, 1/2 जिंजर, 4 अदद हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैक्रोनी को और मटर को बॉईल कर लूँगी अलग से, और टमाटर अदरक मिर्च को मैं ग्राइंड कर लूँगी। पतीली के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है और साथ ही मैंने मटर भी बॉईल कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर दूंगी, जो मैंने मिर्च टमाटर और अदरक ग्राइंड कर लिया था, और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे, क्योंकि मटर मैंने बॉईल कर ली है और गाजर भी चिकन के साथ ही गल जाएगी। बंद गोभी हम सबसे लास्ट पे ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रिस्पी रखने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और स्पाइस और टमाटो केचप, और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। अब मैं इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूँगी कवर करके। 10 मिनट के लिए इसे मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी, गाजर भी तकरीबन गल चुकी है, और इसे 2 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। 2 मिनट मैंने इसे कवर करके रखा था, अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूँगी, ये मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मटर ऐड करने के बाद इसके अंदर बंद गोभी भी मैं ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे इसे। 2 मिनट मैंने इसे कवर करके रख दिया था बंद गोभी ऐड करने के बाद। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। और मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट का हम इसे मज़ीद दम दे देंगे। ताकि इसका टेस्ट एक जैसा हो जाए। 2 मिनट के लिए इसे मैंने दम पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से इसका टेस्ट एक जैसा हो जाए। मैक्रोनी बनके तैयार है, इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। टेस्टी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।